हाय नीला दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब जहां भी कहीं होंगे स्वस्थ मस्त और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं बाहर ही काम कर रहा था और एक हमारे भाई साहब मिले हैं, बिहार साइड के रहने वाले हैं। सबसे पहले इनसे इनका नाम पूछते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद बशीर शेख। थोड़ा सा बोले, थोड़ा आवाज नहीं आता होगा। मोहम्मद बशीर शेख। हाँ, मोहम्मद बशीर शेख। बशीर भाई अभी क्या नाम है, इंडिया से ना? बिहार से। इंडिया, बिहार से। अच्छा, तो अभी यहाँ पे कहाँ काम करते हैं आप? पानी कंपनी में, खलीज। हाँ, यानी पानी सप्लाई जो होता है उसी कंपनी में काम करते हैं। काम क्या आपका? मुनी बोला काम है ना? नहीं, मेरा कैशियर। कैशियर है आप? ये वहाँ पे कैशियर काम करते हैं। भाई साहब बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को क्या आपका वहाँ पे तनख्वाह मिलता है? तनख्वाह हमारी ठीक है, 3,000 है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह, 3,000 तो बहुत होता है ना? हैं, 3,000 तो बहुत होता है इनको यहाँ पे। दोस्तों, आप लोग दिखा सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पानी का फैक्ट्री है इस सामने, वहीं पर हमारे बशीर भाई काम करते हैं। और इनसे मिल के बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि भाई परदेश में जब कोई अपने से मिलता है ना, अपने गांव वालों से मिलता है, तो एक अपनाहट सा फील होता है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल, एकदम अपनाहट सा फील होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। चलो यार, कोई तो बंदा हमारे गाँव का मिला हुआ है। तो बशीर भाई, आपको कितना दिन हो गया यहाँ पे काम करते हुए? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया इसका? इससे पहले दूसरी जगह थी। नहीं, टोटल सऊदी में कितना दिन हो गया? 6 साल हो गया। यानी टोटल सऊदी में आपको 6 साल हो गया काम करते हुए। तो कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे हमारे जो है कि व्यूअर्स जो हैं इंडिया के, जो परेशान हैं लोग आने के लिए। बहुत लोग बोलते हैं यार कोई वीज़ा दे दीजिए हमको, तो मैं आ जाऊँ वहाँ पे। तो मैं बोलता हूँ भाई, मैं कंपनी में काम करता हूँ तो वीज़ा मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मैं तो निकालता नहीं हूँ, लेकिन आदमी कहीं से देखता होता है तो मिल जाता है वीज़ा। जल्दी देता नहीं है सबने वीज़ा? जल्दी वीज़ा मिलता नहीं, वो डायरेक्ट जाता है ऑफिस को। हाँ, ऑफिस इंडिया में जाता है, वहाँ से। तो हमारा सिलेक्शन होके, तो बशीर भाई हमारे जो नए व्यूअर्स हैं, जो यंगर्स हैं, तो चाहते हैं कि यार हम जल्दी से जाएं, कुछ काम करें, ये करें, वो करें, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? ऐसा कुछ बताइए कि उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो, डीमोटिवेट ना हो, लो उदास ना हो, चाहे कि हाँ भाई मैं निकलूं और बाहर कमाऊं। नहीं, कोशिश करें, वहाँ इंटरव्यू फेस करें, ऑफिस में रब्ता करें जी। ऑफिस में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह हो जाएगा सिलेक्शन, फिर आ सकते हैं। सही है, अपनी तैयारी करें, 2-4 ऑफिस में सीवी डाल दें तो सिलेक्शन हो जाएगा। सही है, काम के लायक है, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई आप लोग कहीं से भी हैं, कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना? ये हमारे बशीर भाई, देखिए इनको और हमें भी देखिए, हमको भी 8-9 साल हो गया यहाँ पे काम करते हुए। तो आप लोग निकलिए और बाहर निकल के अपना काम कीजिए। काम करने के बाद कुछ एक बनाइए, एक अपना एक मुकाम, ठीक है ना? घर बैठने से कोई फायदा नहीं है। देखिए यही पानी का जो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, दिखाता हूँ, देखिए आप लोग यहाँ पे यही डब्बा होता है पानी वाला, और यहीं पे बशीर भाई इसी काम करते हैं ना? तो बशीर भाई को देखते ही गाड़ी रुक गया। देखिए बशीर भाई का पावर, ठीक है ना? अल खलीज में काम करते हैं बशीर भाई, ठीक है? तो पानी का काम है इनका और भाई का बहुत। यानी हम लग रहा है कि एक मिनट हो गया ना जानते हुए आपको, एक मिनट मैं इनको देखता हूँ, थोड़ा सा बात वत होता है, सलाम दुआ होता है, लेकिन अभी हम लोग मिले नहीं। तो आज हमने बोला है भाई, भाई से मिलते हैं, थोड़ा बात करते हैं, क्या सिस्टम है क्या नहीं। ओके बशीर भाई, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके, और दुआ में याद रखिएगा, अगर हम भी याद रखेंगे, कोई गलती हो दुआ भाई माफ़ कर देना, ठीक है दोस्तों? फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।